Click on subscribe and then click on the bell button for more updates. देख बिना ब्रेक साल 2019 के आखिरी दिन देश को मिला नया सेना थल अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने। जी हाँ, ये वही नाम है जिससे अब चीन थरथराएगा, ये वही नाम है जिससे पाकिस्तान कपकपाएगा। थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर हुए और इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बने देश के नए थल सेना अध्यक्ष। देश के नए थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कमान संभाल ली। पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें कमान सौंपी। नरवाने देश के 28वें सेना प्रमुख हैं और अगले 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। नरवाने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के छात्र रहे हैं। कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में अपने सेवाएं भी दी। सैन्य करियर के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को भी कमान किया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने कई स्ट्राइक को लीड किया। लेफ्टिनेंट नरवाने श्रीलंका में भारतीय रक्षक बल का हिस्सा भी रहे। जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 7वें बटालियन का कमीशन भी मिला। नरवाने ने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व किया जो चीन से लगने वाली करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा पर नजर रखती है। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है। 59 साल के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को चीनी मसलों पर एक्सपर्ट माना जाता है और उनके पास भारत के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में किए गए काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों का बहुत लंबा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ऐसे वक्त में सेना प्रमुख का पद संभाल रहे हैं जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में सेना के पुनर्गठन की सबसे बड़ी कवायद चल रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड देन क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।